हाय, मनी, धन, पैसा, कैसे समझे, कैसे जाने ये क्या है? मनी हो गया, धन हो गया, ये वाइब्रेशंस हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाती हैं। आज मैं आपको तरीके बताने जा रही हूँ। प्लीज़ पेपर पेन लेके नोट डाउन कीजिए। जो भी आपको तरीका लगता है, 1, 2, 3, 4, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और थोड़े समय के अंदर देखेंगे वाइब्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, जो मनी की होंगी, पॉजिटिविटी की होंगी। मैं यामिनी शर्मा, रेखी वास्तु ज्योतिष के माध्यम से हमेशा आपकी मदद करने के लिए खड़ी रहती हूँ। अपने रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं नए नए वीडियोज़, जो आप सुझाव मुझसे पूछते हैं, जो आप मैसेजेस करते हैं, उसके बेस पर बनाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी मनी। आखिर मनी क्या है? ऐसा कौन सा घर में हम वास्तु का बदलाव करें, ऐसा कौन सा हम रेखी से एनर्जी दें, ऐसा कौन सा क्रिस्टल हम पहन लें कि हमारी वाइब्रेशंस एकदम से बदलनी शुरू हो जाए। तो चलते हैं और इसे समझते हैं। मनी मैं क्यों कहती हूँ वाइब्रेशन है? आपने मेरे इतने सारे वीडियो देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं अभी तक, पहली बार सब्सक्राइब किया है तो जाइए और मेरे अदर वीडियोज़ देखिए। कोई ना कोई वीडियो आपके मतलब का अवश्य होगा, उनको देखिए। तो मनी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम क्रिएट कर रहे हैं वाइब्रेशन से, जो पॉजिटिविटी के लिए। तो क्या करें? जो लोगों को एनिमल्स का शौक है, ऐसे प्राणी का शौक है जो रख सकते हैं, तो अपने घर के अंदर फिश टैंक वो ज़रूर रखते होंगे। यदि फिश टैंक नहीं रख सकते, किसी का बॉदर नहीं चाहते कि फिश को खिलाना है, रोज फिश टैंक में रखना है, तो आप घर के अंदर एक क्रिस्टल का कछुआ अवश्य रखिए। आप चाहे तो उसे ऑफिस में भी रख सकते हैं और इसको रखने के बाद क्रिएट करेगा वो उस जगह की पॉजिटिव वाइब्रेशन को। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको सलाह दूंगी, वो दूंगी आपको घर के अंदर कछुआ रखने की। जिन लोगों को गाय से बहुत प्यार है, जो गाय को बहुत मानते हैं, वो एक छोटी सी कामधेनु गाय की, जिसमें उसका छोटा सा बछड़ा उनके साथ है, उसकी तस्वीर लेकर अपने घर में, अपने ऑफिस में पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो गाय, जो आपकी स्ट्रीट पे गाय घूम रही है, उनको चारा डालना शुरू कर दीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, आपका अच्छा एरिया है, अच्छा जगह है, तो एक बड़ा सा पानी का कुंड लेके, बड़ा सा मिट्टी का कोई बर्तन या बड़ा सा जिसकी टंकी जिसे पानी की कहते हैं, उसमें पानी भरिए। बिकॉज वाटर इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ क्रिएट पॉजिटिविटी। तो जब आप उससे पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे तो वहाँ की वाइब्रेशन बदलेगी, और जब वो पानी पी के तृप्त होगी और डेली वो वहाँ आएगी और सोचे कि कौन भरता है मेरे लिए। आखिर आपने कितनी कहानियाँ सुनी है ना गौ माता के ऊपर, जब हम रिचुअल्स करते हैं अपने, तो वहाँ गौ माता के कितने रिचुअल्स आते हैं। तो जब वहाँ क्रिएट होगी, तो क्योंकि लक्ष्मी का एक स्थान गौ में भी है, तो वो वाइब्रेशंस आपकी मनी ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर देगी। तो गाय को जगह जगह पानी की कुंड आप बनवाइए, जगह जगह पानी रखिए, जिसमें पानी फिल कीजिए और वो पानी गाय पिए। जो स्ट्रीट गाय है, मैं उनके लिए सलाह दूंगी, और वहाँ जो क्रिएट करेगा वाइब्रेशंस, वो कंप्लीट वाइब्रेशंस होंगी जो क्रिएट करेंगी पॉजिटिविटी आपके लिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे हटके। जो लोगों को सूखी लाल मिर्च दिखती है रसोई में, तो ज़रूर मिलती होगी ना सूखी लाल मिर्च, उन्हें ले लीजिए। ये लाल मिर्च किस्मत बदल सकती हैं। कैसे प्रयोग करना है? 7 लाल मिर्च रख ले लीजिए और उनको सुखा लीजिए। आप लीजिए और उनको आराम से अपने घर के अंदर, अपने स्पेस में अच्छे से सुखा लीजिए। जब वो सूख जाएं, जब लाल मिर्च अपनी ड्राई हो जाएं, तब उन लाल मिर्चों को आपको एक लाल पोटली में बांध कर ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर आपकी कुबेर की जगह हो, या कुबेर की आप कोई मूर्ति रखते हो तो उस स्थान पर भी आप रख सकते हैं। तो कोई भी नज़र का मनी में ब्लॉकेज है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि नज़र का ब्लॉकेजेज है, हमेशा नज़र रहती है, तो उनकी नज़र निकलने लग जाएगी। यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है, आपका ऑफिस स्पेस है, तो ऑफिस का जो ऊपर का, जहाँ से आपके कस्टमर आते और जाते हैं, उस ऊपर उन 7 लाल सूखी मिर्चों को बांध दें। पहले आप मिर्च ले लीजिए, जो नॉर्मल मिर्च होती है उसको सूखने दीजिए, उसमें से लाल मिर्च कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसको बांध कर लाल कपड़े में ऊपर टांग दीजिए। अगर आपका ऑफिस स्पेस है, टोका टाकी कोई ना करे, और थोड़े थोड़े समय बाद उसको उतारिए, वहाँ नया आप लगाइए, और उनको उठा के आप कहीं भी बाहर रोड पर, यदि चौराया आपको मिलता है, तिराया मिलता है, तिराया मीन्स होता है जो 3 रोड जाते हैं बीच में, चौराया होता है जहाँ 4 दिशाएं से रोड निकलते हैं, बीच में एक चारों तरफ,
उस जगह जाके उसे थ्रो कर दीजिए, वहाँ से गाड़ी निकलेगी, स्कूटर निकलेगा, उसको मैस करता हुआ निकलेगा और वहाँ पे वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे तुरंत आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप स्टोन प्रेमी हैं, आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें बार बार दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगी, आप ग्रीन एवेंचुरियन ले लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। आप चाहें तो टम्बल फॉर्म में ले सकते हैं, नहीं तो प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, इस तरीके के होते हैं ये पत्थर, या आप पन्ना ले लीजिए, इसमें आप 2-4 अपने हिसाब से ले लीजिए और इसको एक पोटली रेड कलर की अपने घर में, या हरे रंग की, जैसे ग्रीन ये कलर है ना, ऐसे ग्रीन कलर का कपड़े की पोटली घर में बना लीजिए। मार्केट से भी ले सकते हैं, 10-20-50 रुपए की आती है, अगर अच्छी क्वालिटी लेंगे तो थोड़ी महंगी आ जाएगी, और उसके अंदर ये स्टोन रख दीजिए। इसके साथ में एक 10 रुपए का सिक्का, जो करेंसी होती है वो रखनी है। अगर आप किसी अदर कंट्री में हैं तो आपका सिक्का ज़रूर होगा जो गोल्ड कलर का दिखता होगा, वो वाला सिक्का सिल्वर में ना हो, जिसका कलर गोल्ड में हो, वो इसके साथ डालकर आपका जो भी सेफ प्लेस है, आप जहाँ पे पैसा रखते हैं, आपका अपना खुद का पर्स है या आपका अच्छा लग्जरी पर्स, उसमें डाल के छोड़ दीजिए। और एवरी आपको मंथ में, कोई भी मंथ की कोई एक डेट ले लीजिए, उसमें उसको बाहर थोड़ी देर निकालिए, उसे धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, और फिर उसको उसी स्थान पर ले जाके वापस रख दीजिए। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में ऐसा करना चाहते हैं, वो इस तरीके के जो भी स्टोन्स होते हैं, आप अगर इसमें पन्ना ले लेते हैं तो और अच्छी क्वालिटी का, ये देखिए इसमें एक पन्ना है, पन्ना जैसे एमरल्ड कहते हैं, डिपेंड करता है आप कितने तक का लेते हैं पन्ना, 5,000 से लेके तो आपको पता है 1,00,000-1.5 लाख, 2 लाख तक का आता है, डिपेंड करता है क्वालिटी और क्या आप लेते हैं। वो पन्ना भी आप लेकर आप उसको रख सकते हैं, तो और ज़्यादा क्रिएट करेगा पॉजिटिव वाइब्रेशन को। ग्रीन कलर की पोटली बनाएंगे तो ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी होगी। अगर आप ऑफिस में हैं तो उस पोटली को, आपका जो डेस्क है, कोई सेफ प्लेस है, या आपने भगवान की मूर्ति जहाँ आप डेली पूजा करते हैं उसके पीछे आप रख दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है पॉजिटिव वाइब्रेशन। पोटली मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, उसका कारण होता है, अब जो लोग अपना नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो ऑब्वियसली पूजा पाठ तो ज़रूर कराते होंगे। पूजा पाठ के अलावा आप एक कलश ले लीजिए, आप चाहें तो तांबे का कलश ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं चांदी का लोटा, ये आपके छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर छोटा सा एक नारियल अवश्य स्थापित कीजिए। अगर आप नारियल नहीं कर सकते तो उस लोटे के अंदर आपको जल भरकर रखना है, थोड़े से एक सिक्का डाल दीजिए और इसको किसी उच्च स्थान पर अवश्य रखिए। कुछ लोग इसके ऊपर, इसके साथ में हल्दी की गांठ भी रखते हैं, या इसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के रखते हैं। इस कलश को डालकर आप पूजा स्थल में रखना शुरू कर दीजिए, अद्भुत फल आपको इससे प्राप्त होगा। आप देखेंगे अगर आप ये उपाय करेंगे, जो ब्लॉकेजेस हैं या आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, आपके दुकान में पैसा आता है, ग्राहक आता है और चला जाता है, ये प्रसिद्धि और समृद्धि का कारण बनेगा। मार्केट में कुछ ऐसे कलश आते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी तांबे का नारियल रखा होता है छोटा सा, वो भी आप ले सकते हैं, स्थापित कर दीजिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है, थोड़ा सा शहद भरना है और डेली इसे रिमूव करना है। अगर आप अपने ऑफिस के बंद करने के बाद, जब आपका ऑफिस बंद हो रहा है उस समय स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आपके, देखिएगा आपके दुकान के आसपास कुत्ते अवश्य घूम रहे होंगे, तो रात के वक्त में यदि आप उनको कुछ खाना डालकर अपनी दुकान बंद करते हैं तो वो आपके दुकान के चौकीदार हो जाते हैं। कोई भी चोरी हो ही नहीं सकती यदि स्ट्रीट डॉग आपकी दुकान पर या आपके घर के बाहर बैठा है। इसके मैंने बहुत उपाय देखे हैं लोग, क्योंकि वो बोलते हैं जब आप उनको कुछ भी डालिए, चाहे आप उनका डॉग फूड डालिए, चाहे आप घर से उनका खाना लाइए, या उनको आप दूध पिलाइए मीठा ना हो, या आप जो भी कर्ट पिलाइए, गर्मियों के दिन है तो लोग दही, पतला दही बना के भी उन्हें पिलाते हैं, ये आप पिला के जब निकलेंगे तो यदि कोई ने कुछ आपकी दुकान बांधी है, कुछ नज़र दोष है, शनि की कोई दशा आप पर है, बहुत ज़्यादा कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं, अगर आप अपनी दुकान के आसपास के कुत्तों को डालना शुरू कर देंगे, दुकान बंद कीजिए और ये काम कीजिए, कुछ समय के अंदर ये ब्लॉकेजेस निकलेंगे। किस्मत का हम नहीं कह सकते, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि जो हमारे डॉग्स होते हैं वो शनि के
आप देखेंगे जितने मृत्यु हमारे जो यमराज होते हैं उनके रक्षक होते हैं, तो जब आप इनको करेंगे तो आपकी रक्षा दुकान की होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें हम अब भूल चुके हैं, पहले के लोग ये सब बहुत करते थे। सफ़ेद मिठाई को चौराहे से ना लाना, अगर मिठाई लाते थे उसका एक पीस डाल के कुत्तों को ज़रूर देते थे, पहली रोटी गाय की आखिरी रोटी कुत्तों को ज़रूर उसमें घी लगा के अच्छे से प्रॉपर खिला कर आते थे। पहले तो ये था जब तक हम गाय को रोटी नहीं खिलाएंगे हम खुद खाना नहीं खाएंगे। अब ये सब हम भूल चुके हैं। ये वास्तु के उपाय जब आप करेंगे तो वो समृद्धि जो पहले के लोगों के पास थी ना, वो कहते थे थोड़ा था मगर हम संतुष्ट थे, वो हमारा पूर्ण हो जाता था। अब इतना कमाने के बाद भी आप कहते हो इतने कर्जों में डूबे हुए हो, उसका मेन कारण यही है कि पहली रोटी गाय की बाद की होती है, हमारी कुत्ते की है नहीं। तो बाद में जो भी बचे, या आप यदि किसी गाय को पानी पिलाते हैं, गाय को चारा डालते हैं, कुत्तों को आप कुछ खिलाते हैं जो स्वीट डॉग्स होते हैं, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ये हमेशा मैं अपने हर वीडियो में आपको सलाह देती हूँ। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हैं, उनको आपको हज़ारों रुपये देते हैं, हज़ारों उपाय कराते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं। यदि आप ये करेंगे तो खुद ही आप क्रिएट कर देंगे, इसमें मुझे भी एक रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी सड़क के गाय हैं, जितने भी आपको स्वीट डॉग्स दिखते हैं, उनको आप पानी खाना देना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन वाटर में होती है। मिट्टी का बड़ा सा कुंड ला के उसमें पानी भर के रखना शुरू कर दीजिए, सुबह हटा दीजिए, रख दीजिए, आप देखेंगे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी आपके दुकान के आसपास एक पॉजिटिविटी। और कोई भी नज़र दोष या किसने कुछ बांधा है, कुछ भी ऐसा आप कहते हैं कुछ गड़बड़ हमारी दुकान में हो गई, कभी होती नहीं थी, वो सारी इनकी नज़र देखने से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। मैं यामिनी शर्मा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। नमस्कार।